फिल्म मुन्ना भाई MBBS के एक सीन में हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने वाले मकसूद भाई, उनका असली नाम सुरेंद्र राजन है। आपने कई फिल्मों में इन्हें देखा होगा, खासतौर पर महात्मा गांधी के रोल में। बापू के रोल के लिए पूरे बॉलीवुड में इनसे अच्छा और कोई कलाकार नहीं है। कद काठी चेहरा, यहाँ तक कि आवाज भी कुछ कुछ गांधी जी से मिलती जुलती है। यही कारण है कि इन्होंने एक दर्जन बार बड़े पर्दे पर महात्मा गांधी जिया है। अब भले ही सुरेंद्र राजन फिल्मों में छोटे मोटे रोल में दिखाई देते हों, लेकिन ये एक अच्छे कलाकार हैं और बेहद ही अच्छे इंसान हैं। ये एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खुद की भी फिल्में ये नहीं देखते। 1970 के बाद सिर्फ दो फिल्में देखी, वो भी लोगों ने जबरदस्ती दिखा दी। इन्हें बड़े स्टारडम और बॉलीवुड की लेविस लाइफ से चिढ़ है, फिर भी ये फिल्मों में काम करते हैं क्योंकि इससे उनका दुनिया में घूमने का खर्च निकल जाता है। सुरेंद्र राजन महज एक एक्टर ही नहीं, दुनिया के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में इनका नाम शुमार है। वर्ल्ड क्लास पेंटर भी हैं, मूर्तिकला में भी माहिर हैं। मिजाज इतना फकीराना है कि कभी एक जगह नहीं ठहरते, घूमते रहते हैं। दुनिया के कोने कोने में अपने लिए कभी कुछ नहीं जुटाया, न घर, न गाड़ी, न सुविधा, न कोई सामान, यहाँ तक कि घर भी नहीं बसाया, बस दुनिया में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं। सुरेंद्र राजन सर्वाइवल करने के लिए फिल्मों में काम करते थे, लेकिन इस पेशे से उन्हें खास लगाव नहीं रहा। फिल्में साइन करते हुए भी कभी नहीं पूछा कि फिल्म का नाम क्या है, उसमें हीरो हीरोइन कौन है, बस सेट पर जाते और शॉट देते और निकल आते। सुरेंद्र राजन ने 1970 से सिर्फ मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी थी, जो प्रोडक्शन के लोगों ने जबरदस्ती दिखा दी थी। वहीं दूसरी फिल्म लीडेज ऑफ भगत सिंह देखी, जिसमें उन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था। सुरेंद्र राजन फिल्म में काम करने से जब उनको ज्यादा पैसे मिल जाते थे तो वो परेशान होते थे कि बचे हुए पैसों का क्या करूं। तब वो बचे हुए पैसों को जरूरतमंद लोगों में बांट देते या विदेश घूम आते थे। सुरेंद्र राजन ने अपनी जिंदगी के कुछ नियम बनाए थे, जैसे हर साल कुछ समय निकालकर हिमालय पर घूमने चले जाते थे। उन्हें पहाड़ों से बहुत ही प्यार था। कुछ सालों पहले उन्होंने तय किया था कि 75 साल के बाद वो हिमालय पर जाकर बस जाएंगे। एक बार ऐसा किया भी था, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर और मौसम उनके शरीर को सूट नहीं किया और उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो वापस चले आए थे। सुरेंद्र राजन ने तय किया था कि वो 75 साल के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगे, लेकिन लोग उन्हें फिल्मों के लिए जबरदस्ती पकड़ लेते थे। सुरेंद्र राजन ये कभी नहीं सोचते कि उनके पास लग्जरी गाड़ियां या बंगला हो। अगर ये सब हो भी जाए तो कितने दिनों तक चलेगा। जिन लोगों के पास ये सब था, वो भी ये छोड़कर दुनिया से चले गए।